जी दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जी चैम्पियन फरुखाबाद जनाब उस्ताद अल्लाह रखा डोगर, उनके शागिर्द जनाब मलक कासम साहब जो के अभी थोड़ी देर पहले शागिर्द हुए माशाल्लाह। दोस्तों आज दोस्तों हम आपके साथ कबूतरों की पहचान लाइव सेगमेंट मलक अदीम दोस्तों आज गुजैना नौ से आपकी खिदमत में लाइव हाजिर है। मैं मेरे चाहने वाले प्यार करने वाले जितने भी दोस्त अहबाब हैं जी सबको जी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों ये छोटा सा सेटअप है माशाल्लाह, यहाँ से काफ़ी दफ़ा ये चैंपियन हुई है। तो अभी मैं भाई से बातें भी पंजाबी में थोड़ी सी करूँगा। ये माशाल्लाह आप देखें छोटा सा सेटअप है दोस्तों, ये चेक करें माशाल्लाह। तो अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद उस्ताद सजाद गुज्जर साहब की छत से इंशाल्लाह बराह रास्त होंगे। तो सनी भैया जी, सनी जापान वाले, उनकी तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम साहब जी। जी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह साहब जी क्या हाल चाल है, सेहत भी ठीक है? माशाल्लाह साहब जी आज बड़ा अच्छा एक शागिर्द किया है। हाँ जी, की लगता है साहब जी तुहानू इहदे? मैनू जो मैं कुछ शागिर्द करना मैं वैसे ही बड़ी खुशी होंगी। शागिर्द जो होंगे उन्होंने भी खुशी होंगी, लेकिन मैं उन्होंने तो ज्यादा होंगी क्योंकि मैं प्यार बड़ा करना बेलॉस। सही, शागिर्द भी मेरे ना इसी तरह प्यार करते हैं। सही, ये वैसे भी पहले भी मेरे ना बहुत प्यार करता है, आज भी करता, फिर भी करता रहेगा इंशाल्लाह, उम्मीद बड़ी अल्लाह की कर। सही माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह साजी, भाई कासम भैया हो मोबाइल पकड़ो। जी माशाल्लाह जी, कासम भाई की हाल है? सेहत भी ठीक है? सब तो पहले जी तुहानू बहुत बहुत मुबारक हो जी, की फील कर रहे हो तुसी? अच्छा जी, खुशी का मतलब कि इदार है जिहड़ा नहीं कर सकते उस्ताद लई, साढ़े बड़े अच्छे उस्ताद ने, नामी उस्ताद ने। सही, सानू बहुत खुशी हुई इन्हों का शागिर्द हो के। सही। अच्छा कासम भाई, कितनी देर तो तुसी शौक कर रहे हो? मैं तो बचपन से कर रहा हूँ, 10-11 साल की उम्र से ज़्यादा शौक कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो बाजियाँ कितने तो शुरू की थी? बाजियाँ तकरीबन 4 साल ठहर के कर लो, 15 साल की उम्र तो बाजियाँ शुरू की थी। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि 15 साल तो माशाल्लाह तुसी शौक कर दे आ रहे हो। अच्छा माशाल्लाह। एक थोड़े जे कबूतर ने तो साढ़े को बड़े अच्छे शागिर्द ने जनाब। शागिर्द होना छोटा लफ्ज है, इंशाल्लाह छोटे भाई हैं, छोटे भाई बेटे ही होंगे इंशाल्लाह। उस्ताद ने बड़े भाई ने, तो उस्ताद अगर बाप का रुतबा रखता तो इंशाल्लाह फिर देना भी चाहिए। अगर तुम देखो कि सिर्फ किताब ही लिखा गया कि उस्ताद बाप का रुतबा रखे तो वह सिर्फ एक फॉर्मैलिटी है, उन्हें तो इंप्लीमेंटेशन वो साढ़े डिपेंड करती है। बाप मुराद है, उस्ताद जो भी होगा, कुछ दुनिया के किसी बंदे भी वेख लो, थोड़े तो एलीट क्लास होगा, थोड़े तो उत्ते वाला होगा। अगर तुम उन्हें रिस्पैक्ट नहीं देवोगे तो मेरी उम्मीद है थोड़े तुम पहले अपनी इंटरव्यू दस चुके हो कामयाब नहीं, तो इंशाल्लाह दुनिया के किसी कोने पर भी नहीं कामयाब। बाकी मैं एक सिर्फ छोटी जी अर्जी करना चाहना कि अजकल सिखाया जाता बच्चों को, जो बच्चा कबूतरबाजी करेगा वो पढ़ेगा नहीं। मैं वैल एजुकेटड हाँ, ग्रेजुएशन मेरी मैं इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैं की है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, तो मैं टॉप क्लास अच्छे ग्रेड न डिग्री की है। तो शौक भी इंशाल्लाह भी तुम करे नहीं जानते क्योंकि शॉर्ट मैमरी लॉस बंद हो जाती है, उस्ताद तो फिर पता है, तो शौक भी जारी है। इस वास्ते मैं सिर्फ उन्होंने एक मैसेज है कि मेरा अगर तुम किसी भी काम परफेक्ट तरीके करते हो तो उनके ऑपोजिट कोई काम नहीं हो सकता। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं आ कम करा तो दूसरा मेरा इन अल्टरनेटिव कोई लॉस होगा, नहीं होगा। अगर तुम मैनेज कर सकते हो, मैनेजमेंट सब तो वही चीज़ है, मैनेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी गल है माशाल्लाह जी। तो सुनाओ शौक की तैयारी कैसे चल रही है? बस हमारे अल्लाह बस जारी है शौक, शौक बस होनी कबूतर कड़े कुडे रहते इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। शौक पहले भी जारी है, ये नशेबो फराज जिंदगी जाते रहते हैं, शौक होते रहते हैं। अगर तुम सिर्फ शौक की हद तक किसी नाल तुसी कनेक्टेड हो तो मेरे ख्याल तुहानू हट जाना चाहिए। मेरे गल का मकसद है कि हूँ 2 महीने बाजिया ने, अगर मैं उस्ताद हूँ कनैक्ट होवगा इट मीनस कि मैं सिर्फ एक अपने लाली की हद तक कनैक्ट हाँ। अगर ये बाजी तो बाद मैं उस्ताद कनैक्ट होवगा तो उस्ताद भी अच्छा लगेगा यार, बंदा सिर्फ शौक की हद तक कनैक्ट नहीं,
मेरा ये मैसेज है कि सिर्फ ये नहीं कि शौक ज्यादा कनेक्टेड है, वो बाद एक दूसरे ना अच्छा अपना ना अच्छे तरीके ना एक दूसरे ना पेश आना चाहिए थोनो। जी माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। दोस्त जी सादे मोहसिन माशाल्लाह जी, देखो जी एडे एडे पढ़े पढ़े लिखे शागिर्द अल्लाह पाक ने दिते ने, एडी एडी हस्तियां अच्छियां, फिर अल्लाह पाक को और की चाहिए, मैं शुक्र करना चाहिए। हां चलो माशाल्लाह। अच्छा भाई चंद कबूतरों का शौक भी करवाया जी, जेडे तुहाडे जेडे अच्छे उड़े ने ताकि ਹੁਣ ਅਗੋ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਸਾਖ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈ, ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਵਿਸਾਖ ਦੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅਗੋ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਸੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਪੜੀ ਜੀ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜੇ ਨਾ ਦੋਸਤ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਜੀ? ਸਦਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਲੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਡੀ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕ੍ਰਾਸ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਉੱਡਿਆ ਕਬੂਤਰ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਇਹ 6 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਉੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 3 ਦਿਨ ਦੇ ਇਹਦੇ 31 ਤੋਂ 32 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਇਹਦੇ 31 ਤੋਂ 32 ਘੰਟੇ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਇਲਾਕੇ ਚਲੀ ਆਣੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਖੁੱਲਿਆ ਜੀ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਲਓ ਜੀ ਕੁੰਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਪ ਸ਼ੌਕ ਰਹੇ ਆਪਕੀ ਸੈਲਫੀ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਡਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਅਗਰ 30-32 ਘੰਟੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 3 ਫੜਕਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡੀਆਂ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਪ ਡਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਥੇ 38 ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਦਿਨ 34 ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ 42 ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮਾਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਘੰਟੇ ਨੇ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟਿਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਟੈਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਬ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੈਸੇ ਹੋ ਜੀ? ਕਿੰਨੀ ਘੁੱਡੀ ਮਾਦੀ? 3-4 ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ 38-40 ਹੈ, 3-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ। ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਲੱਭੇਗੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਆ ਰਹੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਆ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ।